नमस्कार, क्विक न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। टॉपिक है, अमेरिका ने लगाए भारतीय नागरिक पर प्रतिबंध। अमेरिका ने दो व्यक्तियों और 7 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें एक भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। इन संस्थाओं में फ्रांस, हांगकांग, सिंगापुर और चीन की संस्थाएं भी शामिल हैं। ये सभी उत्तर कोरिया सरकार द्वारा संचालित एनिमेशन स्टूडियो को भौतिक सहायता प्रदान करने और उसके साथ कार्य करने के दोषी पाए गए। भारतीय नागरिक दीपक सुभाष जाधव फनसागा ने एनिमेशन परियोजना के लिए उत्तर कोरिया की SEK कंपनी के साथ एक अनुबंध किया था। इसके अलावा दोनों के बीच आर्थिक लेन देन भी हुआ था, जो अमेरिका के द्वारा उत्तर कोरिया पर लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन है। अतः US ट्रेजरी विभाग का कहना है कि जाधव फनसागा पर SEK को भौतिक, वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के परिणाम स्वरूप प्रतिबंध लगाए गए हैं। आपको बता दें कि अमेरिका ने यह कार्रवाई 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के अवसर पर और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की पूर्व संध्या पर की। प्रतिबंधों के तहत इन सभी पर डॉलर में लेन देन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही ये कंपनियां अमेरिकी नागरिक और कंपनियों के साथ भी व्यापार नहीं कर सकती। इसका मकसद अमेरिका द्वारा दुनिया भर में भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के दुरुपयोग के लिए स्वयं की जवाबदेही को बढ़ावा देना है। इससे पहले अमेरिका ने ईरान के साथ डील करने के आरोप में एक भारतीय कंपनी पर बड़ी कार्रवाई की थी। अमेरिका का ट्रेजरी विभाग अमेरिकी विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा लक्ष्यों के आधार पर रक्षित देशों, आतंकवादियों, अंतर्राष्ट्रीय नशीले पदार्थों के तस्करों के खिलाफ आर्थिक और व्यापार प्रतिबंधों को लागू करता है। प्रतिबंधों के अंतर्गत संपत्तियों की जब्ती और व्यापार प्रतिबंध शामिल होते हैं। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी।